तो मित्रों बताओ फिर क्या हाल चाल आप सभी के। अरे यार हंसते रहा करो। सबसे पहले यहाँ पर देखो सब कुछ उल्टा हो रहा है, यानी कि दूल्हे राजा को रिश्तेदार बोलते थे कि मुन्ना शादी कर ले बिल्कुल खुश रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखो रिश्तेदार नाच रहे हैं बहुत ही खुश है, लेकिन दूल्हे की तरफ देखो बेचारे की हालत तो बहुत ही खराब है। बोलता होगा कि शादी मेरी है, मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सभी रिश्तेदार परिवार वाले खुश है, मेरा किसी ने हाल तक भी नहीं पूछा। और यहाँ पर देखो यार नई नई मुन्नी आई है घर में और देवर बैठ गया दुल्हन की गोद में और मुन्नी की तरफ देखो हाय हाय कर रही है। अरे मुन्नी मुन्नी बिचारी क्या करे, ठंडा पानी पी मरे। तभी पीछे से एक आंटी आती है, बोलती है कि अभी उठ जा क्यों हमारी नई नई मुन्नी रानी की हड्डी तोड़नी है। और यहाँ पर देखो मुन्नी की विदाई हो रही है, लेकिन इसको मेकअप की पड़ी हुई है। यार मुन्नी को मेकअप की टेंशन पड़ी हुई है। अरे मुन्नी परिवार को छोड़कर जा रही है, विदाई की कोई टेंशन नहीं है, विदाई का दुख नहीं है, दुख तो आखिरकार मेकअप का है। मुन्नी बोलती होगी कि सबसे पहले मेकअप को संभाला जाए, परिवार को तो बाद में देख लेंगे। मित्रों शादी वाले दिन दुल्हन को क्या टेंशन होती है, या तो उसके कपड़े भारी होंगे उसकी टेंशन, या फिर परिवार को छोड़ के जाएगी नए घर जाएगी उसकी टेंशन। लेकिन यहाँ पर देखो इसको तो अलग ही टेंशन पड़ी हुई है, यानी कि यह है बेशर्म दुल्हन, यह शर्म नहीं आ रही। देखो यार क्या क्या कह रही है। मुझे शर्म नहीं आ रही। मतलब जब जब नई दुल्हन अपने घर पे पहली बार जाती है तब उसे शर्माना चाहिए। यार इसको तो अलग ही दुख है, यानी कि मुन्नी रानी को नहीं आ रही शर्म। बेचारी क्या करे, अब क्या कर सकती है मुन्नी, कैसे लाए शर्म। और यहाँ पर देखो ये मुन्नी रानी शादी के मंडप में सो चुकी है, यानी कि सपनों ही सपनों में अपने मुन्ने राजा के साथ चांद सितारों के पार जा चुकी है। चांद सितारों के पास जाकर बोल रही होगी कि मुन्ना मुन्ना ये छोटा तारा मेरा, ये बड़ा तारा मेरा। और यहाँ पर देखो ये मुन्ना राजा भी सो चुका है। और यहाँ पर देखो यह रस्म पता नहीं कहाँ की है, लेकिन बहुत ही बढ़िया बहुत ही मजेदार रस्म है, यानी कि मुन्नी को मुन्ने का हाथ खोलना है। तभी बोलती है कि मुन्ने राजा मेरे पास है डोले छोले, मैं तो ऐसे ही खोल दूंगी। देखो यार बिल्कुल कोशिश जारी है, लेकिन देखो यार मुन्नी से कुछ नहीं हो पा रहा। अरे मुन्नी खोल खोल, मुझे लगा था कि मुन्नी ऐसे ही खोल लेगी, लेकिन नहीं। तभी देखो देखो यार गुदगुदी कर रही है। अरे मुन्नी यही रास्ता रह गया था। और यहाँ पर देखो दुल्हन का यानी कि मुन्नी का जादू वाला मेकअप, देखो देखो पहले ऐसे लग रही थी और देखो यार बिल्कुल वाल पुट्टी, मेरा मतलब यार मेकअप वगैरह करके बिल्कुल सुशील मुन्नी बन चुकी है। अब इसका दूल्हा राजा आएगा, अपने सुशील मुन्नी को देखकर बिल्कुल हैरान परेशान हो जाएगा और ले जाएगा शादी करके। और यहाँ पर देखो ये है बहुत ही हरामी भालू, यानी कि ये बहुत ही चालाक है। इसने एक सुशील मुन्नी देखी कि ये मुन्नी बहुत ही बढ़िया लग रही है, इसके साथ कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। तब यार बन गया भालू और चला गया मुन्नी के पास। देखो देखो यार उसी मुन्नी के साथ नाच रहा है, इसे बोलते हैं बिल्कुल खतरनाक चलाक भालू। अबे हट जा नहीं तो सांप खाएंगे, बिच्छू खाएंगे, कीड़े पड़ेंगे, ऐसा क्यों कर रहा है बे तू। लेकिन आज नहीं दोस्तों, आज ये भालू नहीं रुकेगा, पूरा डांस करके ही मानेगा। आप हंसते रहा करो, मुझे ठेका दो, आपको हंसाने का फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको।